Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is our World History Series. पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अमेरिकन रेवोल्यूशन की, उसके कॉजेस की और वो ऐसे कौन से इवेंट्स थे, वो ऐसे कौन से सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉजेस थे जिन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन को जन्म दिया. और उसके अलावा हमने कुछ इवेंट्स देखे जैसे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, बॉस्टन टी पार्टी और फिर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. और आज इस लेक्चर में हम उसकी के आगे की कहानी देखते हैं कि अमेरिकन रेवोल्यूशन में एक्चुअली उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद होता क्या है. सो बिफोर वी बिगिन दैट, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट माई सेल्फ. यू कैन सी माई एकेडमिक्स एंड एक्सपीरियंस. सो मूविंग ऑन, आफ्टर दैट हमने देखा कि जैसे ही बिल ऑफ सॉरी यस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो आता है, जो किंग है उसे एक तरीके से सेडेशन डिक्लेयर कर देते हैं, म्यूटिनी कह देते हैं और द ट्रूप्स वर डिस्पैच फ्रॉम इंग्लैंड टू अमेरिका. और जब ये बात कॉलोनीज को पता चलती है तो वो अपनी लोकल मिलिशिया को आगे करते हैं और वो उनके साथ यू नो दे वर लाइक फाइटिंग विद देम, दे वर रेडी टू फाइट विद देम. देयर वर टू साइड्स टू दिस. देयर वर सर्टेन लॉयलिस्ट्स who were the British settlers who remained loyal to Britain and fought on their side. So, जहां हमने देखा था कि वो पिछले लेक्चर में कि जो वो बैटल होती है उसमें क्या होता है कि there were two parts, you know, वहां पे कुछ ऐसे British settlers भी थे जो Britishers का साथ देते हैं, they were loyal to them and when this battle and this war of independence was going on, they were on the British side. France, Spain एंड डच रिपब्लिक वो अमेरिका का साथ दे रहे थे, वो एक्चुअली अमेरिका का साथ नहीं दे रहे थे. ऑल ऑफ देम वर डिफीटेड बाय इंग्लैंड, तो वो बेसिकली उनके खिलाफ थे. 1777 में ब्रिटेन ट्राई टू एनसर्कल अमेरिका बाय इन्वेडिंग कैनेडा एंड उन्होंने कैनेडा की तरफ से कोशिश की कि अमेरिका को एनसर्कल करें, जो नॉर्दर्न नॉर्थ अमेरिका में जो 13 कॉलोनीज थी उन्हें. लेकिन They failed in this. वो उसमें हार गए और ये वो टर्निंग पॉइंट था इस पूरे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, जहाँ पे ये अमेरिका के यू नो फेवर में ये सारी कहानी चलती गई. और जैसे ही अमेरिका विक्टोरियस होता है 1778 में, फ्रांस जो है वो ओपनली वॉर में आ जाता है. स्पेन एंड डच रिपब्लिक ऑल्सो फॉट विद ब्रिटेन इन यूरोप एंड एशिया, यहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट दिखता है. स्पेनिश आर्मी एक्सपेल्ड ब्रिटिश आर्मी फ्रॉम फ्लोरिडा. सो अगर आपको सेकेंड ट्रीटी ऑफ पेरिस याद हो तो सॉरी ट्रीटी ऑफ पेरिस जो याद हो तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें थी और स्पेन के पास, स्पेन जो फ्लोरिडा के ऊपर कंट्रोल कर रहा था 7 ईयर वॉर के बाद, वो ब्रिटेन के पास चला जाता है. एंड लेटर US बॉट फ्लोरिडा फ्रॉम स्पेन. सो स्पेन जो है उसे रिकैप्चर करता है, लेकिन बाद में अमेरिका उसे फ्लोरिडा को क्या करता है, स्पेन से खरीद लेता है. देन जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज पुट इन कमांड ऑफ द अमेरिकन फोर्सेज. द फर्स्ट बैटल टुक प्लेस इन एंड अराउंड बॉस्टन. सो बॉस्टन टी पार्टी के बाद से हमने देखा बॉस्टन एक मेजर सेंटर बन जाता है और जो पहला इनिशियल बैटल्स होती हैं, जो स्टार्टिंग की बैटल्स होती हैं, वो भी उसी यू नो बॉस्टन के आसपास होती है. द इंग्लिश सेंट फोर्स टू कैनेडा एंड विद द प्लान टू मार्च साउथ टू मीट अनदर इंग्लिश फोर्स. So to cut American colonies in half. So वो जो 13 colonies थी अमेरिका के, उसको इन्होंने strategically capture करने की कोशिश की. But an English general spoiled the plan. And they march south, they meet Americans met and defeated them. So होता है कभी कभी लोगों से गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ भारी पड़ जाती हैं और यही हुआ. अब English general कौन थे वो हम आगे देखते. This victory of the rough American militiamen against the trained British force gave Americans the confidence. So, बड़ी विक्ट्री इसलिए नहीं थी कि अमेरिका अमेरिकन जो मिलिशिया था, जो अमेरिकन फोर्सेस थी, उन्होंने जो है वो इंग्लैंड को हराया था. सिग्निफिकेंट बात ये थी कि किस तरीके से एक अनट्रेंड एक तरीके से वेरी रफ काइंड ऑफ मिलिशिया ने जो है वो ट्रेंड ब्रिटिश फोर्स को हरा दिया था. और दिस एक्चुअली गेव अमेरिकन्स दी कॉन्फिडेंस. देन द फ्रेंच गवर्नमेंट नाउ डिसाइडेड टू हेल्प द कॉलोनीज विद ट्रूप सप्लाईज एंड फंड्स टू एम्बैरस द इंग्लिश.
ऑब्वियसली फ्रांस इज ओल्ड एनिमी, ये तो इनके बीच तो हमेशा से ही, हमने 7 इयर्स वॉर में भी देखा कि ये हमेशा से ही लड़ते आए और इनके बीच एक राइवलरी हमेशा से ही रही। तो उस राइवलरी का उसी राइवलरी को एक्सटेंड करते हुए इंग्लैंड को ह्यूमिलिएट करने के लिए फ्रांस ने क्या किया, उन्होंने ट्रूप्स भी भेजी, सप्लाईज भी भेजे, सो दैट ब्रिटिश ब्रिटिश को जो है वो, अगर उनकी जबान में कहें तो, सबक सिखाया जा सके। एंड ऐसा नहीं था सिर्फ फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड भी कहीं ना कहीं हम इंग्लैंड के साथ लड़ रहे थे। एंड ट्रबल वॉज देयर एट होम ऑल्सो, मतलब ब्रिटेन के अंदर भी, बिकॉज आयरलैंड के अंदर रेबेलियन का थ्रेट था एंड सम लीडर्स इन पार्लियामेंट वर अपोजिंग द वॉर विद द कॉलोनीज बिकॉज दे सेड दैट ऑल एवरी टाइम वॉर हैज अ कॉस्ट, एंड इधर आयरलैंड का भी इशू चल रहा है, तो हम इतनी दूर अटलांटिक पार करके जो हम वॉर करने की सोच रहे हैं, हमें एक्चुअली में उसको अवॉइड करना चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे पार्लियामेंटेरियन का मतलब व्यू था और यही फॉलो हुआ। और इंग्लिश कमांडर इन 1781 कॉर्नवालिस जो है वो, उन्होंने सरेंडर किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं जो बाद में इंडिया भेजे गए एज गवर्नर जनरल, एंड यू मस्ट रिमेम्बर हिम लॉर्ड कॉर्नवालिस बिकॉज ही इज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ही एक्चुअली केम अप विद द कॉर्नवालिस कोड जो आज भी हम कहीं ना कहीं फॉलो अप करते हैं। सो दिस इज अबाउट द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड हाउ दिस एंडेड। दिस एंडेड बिटवीन बाय द सेकेंड ट्रीटी ऑफ पैरिस, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, दो ट्रीटी ऑफ पैरिस हुई हैं, तो एक 1763 में और एक उसके 20 साल बाद 1783 में। सो हाउ, यू नो व्हाट वर द इम्पोर्टेंट क्लॉजेस। सबसे पहले पीस, ऑब्वियसली किसी भी ट्रीटी का जो मेन रीजन होता है वो पीस ही होता है। सो इट 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 यू नो एडवोकेटेड फॉर परपेचुअल पीस बिटवीन यूएस एंड ब्रिटेन। ऑल यूएस कॉलोनीज वर रिकॉग्नाइज्ड एज फ्री सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स विद ब्रिटेन गिविंग अप ऑल द क्लेम ऑन द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड टेरिटरी। यूएस वुड गिव द कॉन्फिस्केटेड लैंड ऑफ द लॉयलिस्ट। सो जो लॉयलिस्ट की हमने बात की थी इनिशियली कि देयर वर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल हु वर द ब्रिटिश सेटलर्स हु वर लॉयल टू द ब्रिटिशर्स, सो इन लोगों ने क्या किया था, ये जो रेबेलियस थे, ये जो मिलिशियस थी, उनकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उनकी सारी प्रॉपर्टी वापस करेंगे। स्पेन साइंड अ सेपरेट ट्रीटी विद ब्रिटेन एंड गॉट बैक फ्लोरिडा। तो ये फ्लोरिडा जो है वो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में जो चला गया था स्पेन के पास से, वो इन्होंने वापस लिया, वो इनको वापस मिला। नाउ व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। देयर वर सर्टेन मोर क्लॉजेस ट्रीटी ऑफ पेरिस से 1783, सेकेंड ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783, लेकिन देयर वर सर्टेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो जनरेट होगा वो यहां से आएगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन। सबसे पहले जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, जहां पे ये कहा गया कि ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड यू नो देर आर सर्टेन इनएलिनेबल राइट्स, इसमें इसने ये जो जैसे हम कहते हैं ना, बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है एंड आई शैल हैव इट, एंड इट एक्चुअली क्रिएटेड। जब आप इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट देखते तो कई ऐसे, चाहे गांधी जी के हों, चाहे नेहरू के हों, चाहे भगत सिंह के हों, चाहे तिलक के हों, इन लोगों की जो स्पीचेस होती थी या इनके जो स्लोगन्स होते थे, इट एक्चुअली क्रिएट अ गुड एटमोसफियर थ्रू आउट द कंट्री। सेम हैपन्ड विद दिस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वर्ड इंडिपेंडेंस इटसेल्फ वाज सो इलेक्ट्रीफाइंग दैट इट हैड दैट एबिलिटी टू मोबिलाइज द होल पॉपुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा क्योंकि इसके अंदर बात किस चीज की हो रही थी, इसके अंदर बात हो रही थी दैट ऑल मैन आर इक्वल और आर बॉर्न फ्री, कोई किसी का गुलाम नहीं है, कोई किसी का मतलब हर कोई आजाद पैदा हुआ है और हर इंसान के कुछ ऐसे राइट्स हैं जिसको हम कहेंगे कि ये दीज आर नॉट इन दिस कैन बी इन्फ्रिंज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। सो इन चीजों ने जो एक माहौल बनाया दैट
freedom and independence and that nationhood was great. Then Lafayette, the French general who fought for the on the side of American Revolutionary, and he soon became the the French hero of French Revolution. So हमने एक चीज देखी कि फ्रांस के जो फ्रांस ने अपनी ट्रूप्स सप्लाई की और फंड्स दिए और सारी चीजें की, वहां से ये रियलाइज हुआ वहां पे जो लोग जो जनरल्स और जो मिलिट्री ट्रूप्स लड़ रहे थे, वो उन्होंने देखा कि ये एक नई चीज है, लिबर्टी है और सारी चीजों की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, ये आजादी सिर्फ किसी कॉलोनियल पावर से नहीं थी, आजादी इंसान का हक है, उस लिबर्टी को वो उन्होंने जब अमेरिका से ये लोग वापस लौटे फ्रांस, तो वहां पे यहाँ पे जो चीजें हुई थी उसको इन्होंने प्रोपगेट किया और वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा एक प्रिकर्सर बनेगा, हम आगे देखेंगे आने वाले वीडियोस में। और ये लोग जब लौटे, जो भी यहाँ पे फ्रेंच ट्रूप्स थी, फ्रेंच जनरल्स थे, फ्रेंच कमांडर्स थे, जब भी फ्रांस लौटे तो देवर ट्रीटेड लाइक हीरोज, क्योंकि वो इंसान की आजादी के लिए लड़ रहे थे। सवाल देखो, डिफरेंस यही था, डिफरेंस ये था कि यहाँ पे जो जो एक इंडियन और अमेरिकन, या जो आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हो, हमारा भी नेशनल मूवमेंट था, एक डिफरेंस था, हमारा नेशनल मूवमेंट पॉलिटिकल फ्रीडम की तरफ ज्यादा चला गया। और यहाँ पे आप देखोगे चाहे अमेरिकन रेवोल्यूशन हो चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, वो पॉलिटिकल फ्रीडम से ज्यादा एक इंसान की, एक ह्यूमन फ्रीडम की बात कर रहा था, एक ऐसी चीज की बात कर रहा था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव अ नॉर्मल ह्यूमन लाइफ। सो दिस वॉज, हम आजादी की बात तो कर रहे थे लेकिन हम जो आजादी की मांग रहे थे, हम पॉलिटिकल फ्रीडम मांग रहे थे, हम सिर्फ ये मांग रहे थे कि हमें, हम पर रूल कौन करेगा। इन लोगों ने जो चीज की डिमांड की है, जो इन ये लोग जिस चीज के लिए लड़े, वो इंडिविजुअल की फ्रीडम थी, वो उस लिबर्टी के लिए लड़े, दैट ऑल मैन आर बॉर्न फ्री, ऑल मैन आर इक्वल, उस इक्वालिटी के लिए लड़े। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वॉज नॉट मेड इन अमेरिका, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया, उन्होंने कहा कि हमने आपसे आइडिया ऑफ लिबर्टी लिया है, हमने इसलिए इट इज अ सिंबल ऑफ दैट। थॉमस पेन, जिनको भी हमने पिछले वीडियो में देखा था, उन्होंने भी फ्रेंच रिवोल्यूशन का वो हिस्सा थे, और जो स्पैनिश और पोर्चुगीज कॉलोनीज थी साउथ, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में, उनको भी एक मोटिवेशन मिला और वो भी इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने लड़ना शुरू किया, एंड ऑब्वियसली दे गेन देयर इंडिपेंडेंस। द मेन अचीवमेंट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रिपब्लिक। दिस रिपब्लिक वॉज हाउएवर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, क्योंकि अभी भी देखो रिपब्लिक तो बना, रिपब्लिक मीन्स इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट विद अ फिक्स्ड टेन्योर। सो रिपब्लिक तो बना, लेकिन आप इसको अगर समझें कि ये ट्रूली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो था लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं था, क्यों? क्योंकि अभी राइट टू वोट वॉज लिमिटेड, नीग्रोज मोस्ट ऑफ देम हुआ स्लेव्स, अमेरिकन इंडियंस एंड वुमेन हैड नो राइट टू वोट। नाउ दिस इज अ क्रिटिसिज्म दैट यू कैन ब्रिंग इन, आप इस चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हो कि दिस वॉज अनदर, दिस वॉज सम ड्रॉबैक्स दैट स्टिल आफ्टर फाइटिंग फॉर लिबर्टी, आफ्टर सेइंग दोज ग्रेट वर्ड्स दैट ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल एंड फ्री एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, दिस कैन बी नो दिस दिस कैन बी क्रिटिसाइज। इलेक्शन लॉज इन ऑल स्टेट्स फेवर्ड मैन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर मेनी ईयर्स बट प्रोग्रेस टूवर्ड्स डेमोक्रेसी एट बिगिन। सो लेकिन इसका एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर हम कहें तो यही हो सकता है कि ठीक है, मान ली बात की लॉज जो थे वो जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जो मैन थे, उनको फेवर कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का एक रास्ता, डेमोक्रेसी के एक रास्ते पर चलना तो शुरू कर दिया था। इन सम स्टेट्स स्टेट रिलीजन वाज अबॉलिश्ड अलोंग विद रिलीजियस क्वालिफिकेशंस फॉर होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेस। सो रिलीजन, वो जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट था, वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होने लगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉज इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स, नेशनलिज्म एंड एंटी कॉलोनियलिज्म। सो ये जो लिबर्टी को भी हमने डिस्कस किया, इक्वालिटी की उन्होंने बात की, दैट ऑल ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल एंड सो ऑन, फंडामेंटल राइट्स, यस वो हमने, इवन हमने उन फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं उसका जो सोर्स है वो अमेरिकन सिस्टम है, हमने वहां से उसे अडॉप्ट किया। नेशनलिज्म, सबसे पहले एक्चुअली उनको ये रिकॉग्नाइज करना कि जब नेशनलिज्म के लिए
इम्पॉर्टेंट ये है कि एक नेशन होना, तो सबसे पहले अमेरिकन्स ने अपने आप को उस कॉलोनियल माइंडसेट से, उस कॉलोनियल एक एक जो उनकी हिस्ट्री थी उससे अपने आप को आजाद किया और कहा कि नहीं, हमारा नेशनलिज्म वहां है जहां हम रह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर आप इंडिया की बात करोगे तो आज भी हम कहीं ना कहीं कॉलोनियल माइंडसेट को, कॉलोनियल माइंडसेट के साथ जी रहे हैं। अब ये कैसे, ये किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन दैट इज ट्रू। आप लोग सोचिएगा, इफ यू फील समथिंग यू कैन आंसर दैट इन कमेंट सेक्शन, दैट यस वी आर एक्चुअली इन द क्लचेज ऑफ दोज कॉलोनियल आइडियाज एंड कॉलोनियल आइडियोलॉजीज। एंड द आइडिया ऑफ इक्वालिटी विथ नो स्पेशल प्रिविलेज टू नोबिलिटी वॉज रेडिकल एट दैट टाइम व्हेन मच ऑफ द वर्ल्ड वॉज अंडर फ्यूडलिज्म। सो वो जो हमने देखा ना शुरुआत से, नोबिलिटी, नोबल्स, प्रीस्ट, और ये सारी चीजें जो थी, सो दे वर द प्रोमिनेंट क्लास। और उन किसी भी सिटीजन को कोई स्पेशल प्रिविलेज ना देना, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, एक इवेंट था और कंट्रीब्यूशन था दी फ्रॉम ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन। देन द चेंज ऑफ रेवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस केम विद द सिविल वॉर। अब इसके बाद क्या होता है, अमेरिका में सिविल वॉर होगा फ्रॉम 1861 टू 65, और सदर्न स्टेट्स और नॉर्दर्न, नॉर्थ और साउथ स्टेट्स वाली बात होगी। सो दिस वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। दो रिपब्लिक बनता है लेकिन एक ट्रू सेंस में नहीं बनता है, क्योंकि अभी स्लेवरी है, वुमेन के राइट्स नहीं थे, अमेरिकन इंडियंस के राइट्स नहीं थे। सो अभी ये वाली चीज बाकी थी, और इसी राइट्स के लिए अमेरिका में सिविल वॉर होता है 1861 से 1865 तक। ये जो अब्राहम लिंकन थे ये तब प्रेसिडेंट थे, और उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अमेरिका को यूनाइट करने में। तो ये भी हमारे कंटेंट सिलेबस का हिस्सा है, ये हम आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। दिस वाज अबाउट अमेरिकन सिविल वॉर। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, डू मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन। विल ट्राई टू रिप्लाई दैट। एंड स्टे सेफ, पैंडेमिक टाइम है, तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। Till then, have a great time at home. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.